अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका गूगल माई बिजनेस रैंक्ड है तो किन किन एरियाज में रैंक्ड है ये कैसे पता चलाएंगे? अक्सर लोगों के ये कमेंट आ रहे होते हैं, ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर उनका बिजनेस किस किस एरिया में रैंक कर रहा है और किस किस एरिया में रैंक करवाने की उनको नीड होती है। तो उसके लिए एक स्पेशली टूल बनाया गया है। कौन से टूल है, आज हम उसी टूल पर बात करने वाले हैं। वहाँ पर आपको अपने बिजनेस की रैंकिंग कैसे चेक करनी है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लाजमी एंड तक वॉच करना है। और लैपटॉप की स्क्रीन पर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो का दे लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो व्यूअर, उस टूल का नाम क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है लोकल रैंक चेकर। ठीक है, ये उस टूल का नाम है लोकल रैंक चेकर। जैसे आप इसमें एंटर करते हैं, सबसे पहले कोई और मोज की साइट ओपन हो रही है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड साइट है लोकल रैंक चेकर 100% फ्री। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब इसमें बिजनेस कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से एरिया में रैंक है और कौन कौन से एरिया में डीरैंक है, वो कैसे चेक करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लोडिंग का आप थोड़ा सा वेट कर लें। तो व्यूअर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टोटली चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लोकेशन का, उसके बाद कीवर्ड, फिर पोजीशन ऑन मैप। मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लोकेशन डाल देनी है कि आप किस लोकेशन से बिजनेस चेक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोकेशन के साथ साथ आपको बिजनेस नेम भी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सैफ रेंट ए कार लाहौर। ठीक है, मतलब है आगे जो है मेरी सिटी भी आ जाएगी। ये देखिए, इसने दे दिया नीचे लोकेशन लाहौर की है। तो ये वाला बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपको इसी मैप की पोजीशन दिखाएगा कि ये कहाँ पर है। उसके बाद है कीवर्ड के कौन से कीवर्ड पर आप इसको चेक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ बेस्ट कार रेंटल इन लाहौर। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। उसके बाद आपने कर लेना है सी करंट पोजीशन। तो इस कीवर्ड पर आपके बिजनेस की कौन सी पोजीशन है, कहाँ पर शोर है, ये हमें दिखाएगा। ये देखें, ओपन हो गया है, काफ़ी हाई कंपटीशन है, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ पर रैंक है मैंने आपको ये बोला था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस एरिया में ये थर्ड पोजीशन पर है। अगर इसको जूम कर लें तो ये देखें, कुछ एरियाज में फर्स्ट पोजीशन पर भी है और कुछ एरिया पे सेकंड पोजीशन। लेकिन मैंने जो आपको बोला था कि आप अगर किसी और एरिया में रैंक करवाना चाहें, आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ पर करवाना है, तो यहाँ पर देखें कुछ एरिया में 10 पोजीशन पर भी आ रहा है, 7 पर भी आ रहा है, 4 पर भी। लेकिन जहाँ पर जो सवालिया निशान बने हुए हैं, इन एरिया में ये बिजनेस बिल्कुल रैंक हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप इन्हीं एरिया को जूम करके चेक कर लें तो नीचे ये देखें आपको दिखाएगा कि ये कौन सी सिटी का कौन सा एरिया है, कौन सा रोड है। अगर आप इस लोकेशन पर रैंक करवाना चाहें अपने बिजनेस को, तो इजीली रैंक करवा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका बिजनेस कहाँ पर रैंक हो रहा है और कहाँ पर डीरैंक हो रहा है। तो ये टूल सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होता है। बाकी आज का वीडियो सिर्फ इतने तक का था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसकी समझ भी आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक या लाजमी करने का चाहे पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।